हेलो, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमारी चल रही अस्तित्व ऐप पर चल रही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में हम विस्तृत व्याख्या लेकर के आपके समक्ष आते हैं, उसी श्रृंखला में आज हम पेपर नंबर 52 जो हाल ही में आयोजित NVS 3 अक्टूबर को आयोजित हुआ था, जिसका सेकंड पार्ट जो 1 से 50 प्रश्न हमने पहले पार्ट में कर चुके हैं, अब हम उसी का पेपर का दूसरा पार्ट आज हम शुरू करेंगे। इसका व्याख्या करवाने से तात्पर्य यह है कि हम वर्तमान में आयोजित हो रहे जितने भी पेपर हैं उनकी शैली को हम समझ में पाए और उससे संबंधित आगे हमारे जो राजस्थान लाइब्रेरियन है उसकी हम तैयारी उसके अकॉर्डिंग करें कि पेपर का स्तर कैसा रहता है या किस तरह से हमारे सामने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं पेपर नंबर आपका 51, जिसका पहला प्रश्न है कि मॉडल सार्वजनिक। हमारा पहला प्रश्न है कि मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय और सूचना सेवाएं अधिनियम, आपका बुक का नाम है यह मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएं अधिनियम के लेखक कौन है, राइटर का नाम पूछा है। तो ऑप्शन विकल्प में देखें तो डॉक्टर रंगनाथन महोदय, के पी सिन्हा, वेंकटप्पा और डॉक्टर एम डी सेन। तो आपका यहाँ पे इस पुस्तक के लेखक रहेंगे वेंकटप्पा था। आगे हम देखें, दूसरा है हमारा कि कोड और विभिन्न कोडन और विकोडन कुंजियों का इस्तेमाल करने की वाली कूट लेखन तकनीक को क्या कहा जाता है। हमारे सामने प्रश्न आया कि कोड और विकोडन, विकोडन युक्तियों के लिए हमारे सामने विकल्प दिए थे कि अप्रकट कुंजी कूट लेखन, पारंपरिक कूट लेखन, प्रतिस्थापित कूट लेखन या प्रकट कुंजी कूट लेखन। तो कोड और विकोड युक्तियों, इन कुंजियों के लिए हम कौन सी कुंजी यूज करते हैं, प्रकट कुंजी। प्रकट कुंजी कूट लेखन है तो यह तकनीक हम कोड और विकोडन कुंजियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे सामने तीसरा प्रश्न है कि जी भट्टाचार्य, जी भट्टाचार्य, हमसे पूछा गया है कि जी भट्टाचार्य का संबंध किससे जुड़ा है। तो हमारे सामने पहला ऑप्शन है पोप्सी, दूसरा है श्रृंखला अनुक्रमण, तीसरा है प्रेसिस या चौथा विकल्प दे रखा है एक पदीय अनुक्रमण। तो हमारा जी भट्टाचार्य जी से आता है पोप्सी। जी भट्टाचार्य जी से संबंध आता है हमारा पोप्सी से। और हम देखें कि प्रेसिस, हमारा प्रेसिस जो है वह डार्क ऑस्टिंग से, डार्क ऑस्टिंग से प्रेसिस अगर पूछा जाए, जिस तरह से यहां पूछा गया कि पोप्सी का संबंध किससे है, जी भट्टाचार्य से, जी भट्टाचार्य जी किससे संबंधित है, पोप्सी से। तो इसी तरह से अगर प्रेसिस शब्द आता है तो आएगा हमारा डार्क ऑस्टिन। अगर हम आगे देखें कि पुस्तकालय अधिनियम जो है वहां पे हमारे कर का प्रावधान है, पब्लिक लाइब्रेरीज में विभिन्न राज्यों के द्वारा कर का प्रावधान किया गया है सेस का। तो हमसे पूछा गया है कि इनमें से किस राज्य में पुस्तकालय सेस लगा हुआ है। तो हमें जो हमारे 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम बने हुए हैं उनमें से किन किन राज्यों में कर लगा है, तो हम देखें कि मद्रास में, केरल में, कर्नाटक में, हरियाणा में और हमारा मध्य प्रदेश में। इनमें हमारे सैस की है तो इनमें हमारे देखें कि विकल्प में कि मणिपुर, गोवा, हरियाणा या मिजोरम। तो हमारे यहाँ पे विकल्प में हरियाणा दे रखा है। तो हरियाणा में भूमि से संबंधित टैक्स जो यहाँ पे लगता है
उस टैक्स से पुस्तकालयों के विकास पर वह खर्च होता है। आगे हम देखें, हमसे पूछा गया कि मार्क 21, यहाँ पे हमसे मार्क के दो क्वेश्चन आ गए, तो हमारा मार्क 21 में टैग 300 क्या इंगित करता है? पहले हमने देखा था 250, जबकि यहाँ हमसे पूछा है कि मार्क 300 क्या है। तो विकल्प देखें हम कि सामान्य कथन, श्रृंखला कथन, भौतिक विवरण या संस्करण कथन। हमसे पहले पूछा गया 250 और अब पूछा गया है हमसे 300। 300 होता है आपका भौतिक विवरण अर्थात फिजिकल डिस्क्रिप्शन, भौतिक विवरण। और हमसे जो 250 पूछा गया है वह आपका है संस्करण कथन। और हमसे अगर 260 पूछा जाता तो हमारा पब्लिशर, पब्लिकेशन। इस तरह से हमें ये शेष है, ये टैग जो है हमें याद रखने हैं कि मार्क के 10, 010, 02, 03, 0 इस तरह से जो हमारे टैग है 250, 300, 450, तो यह टेबल हमें हर बुक में मिल जाएगी, हमारे नोट्स में भी है, तो यह हमें याद होनी चाहिए। आगे हम देखें कि इनमें से क्या उपयोगकर्ता अध्ययन का प्रयोज्य नहीं है, अर्थात कि जो उपयोगकर्ता अध्ययन है, उपयोगकर्ता अध्ययन है वह क्या नहीं करता। और विकल्प में देखें कि संकलन का विकास वैज्ञानिक तरीके से करना, जो यूजर है वह किस तरह से अध्ययन करता है, तो उस तरह यहाँ पे हम देखें कि उसका क्या तात्पर्य है। तो संकलन का विकास वैज्ञानिक तरीके से करना, या उपयोगकर्ता की स्थिति जानना, या संकलन विकास की नीति और तथ्यों के आधार पर तैयार करना, या विभिन्न संकलनों की ताकत और मजबूती का पता लगाना। तो हमारे यहाँ पे सही आंसर रहेगा कि संकलन विकास की नीति और तथ्यों के आधार पर तैयार करना, अर्थात कि संकलन की विकास जो नीति है वह तथ्यों के आधार पर तैयार करना, जो कि वह नहीं है, उपयोगकर्ता अध्ययन का प्रयोज्य नहीं है। अगला है हमारे सामने कि पैमाने और प्रेक्षण से जुड़ी सूचना, अर्थात कि हम भूमि, किसी भी भूमि या हमारा भूखंड जो है उसका क्षेत्र के पैमाने और प्रेक्षण के लिए हम किसका लेंगे, तो हमारा सही आंसर क्या रहेगा इसके लिए, भौगोलिक स्रोत। भौगोलिक स्रोत से हम पता करेंगे कि इसका यह पैमाना है सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है या मीटर में है, तो वह किस तरह से है। तो उसके लिए हम कौन से सूचना स्रोत का प्रयोग करेंगे, विश्वकोश या निर्देशिका, नियमावली, निलियों की अस्त पुस्तिका। तो हमारे यहाँ पे सिंपल सा सीधा आंसर रहेगा भौगोलिक स्रोत। आगे देखें कि विश्वविद्यालयों या पुस्तकालयों के राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पर बनी सहमति के अध्यक्ष कौन थे। अधिकांश इस प्रश्न में अधिकांशतः स्टूडेंट्स का आंसर रहा कि डॉक्टर सीडी देशमुख, जबकि उनका वो कमेटी के अध्यक्ष, जहां पे हम देखें तो सीडी देशमुख जी है जो, वह हमारे सामने कमेटी है, वर्क फ्लो सेमिनार। तो यह कमेटी 1959 डॉक्टर देशमुख जी, सीडी देशमुख जी इस कमेटी के अध्यक्ष थे, वर्क फ्लो सेमिनार। और जो हमसे यह पूछा गया है कि पुस्तकालयों के राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली पुस्तकालयों की
राष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली जो है इसके अध्यक्ष थे शेषाद्री। हमारे सामने विकल्प है डॉक्टर एन शेषाद्री। आगे हम देखें, हमारा अगला प्रश्न है कि बुलेटिन सेवा बोर्ड से आपका क्या मतलब है। चार विकल्प दे रखे हैं, चारों में हमें देखना है कि बुलेटिन सेवा बोर्ड क्या है। इस प्रश्न में ही आपको इसका आंसर मिल जाएगा और आपको समझ भी आ जाएगा कि यह क्या है। बुलेटिन बोर्ड सेवा से आपका क्या मतलब है, तो यह एक बड़ा सा मेल बॉक्स है। पहला विकल्प जो आपका है, यह एक बड़ा सा मेल बॉक्स है। यह ईमेल प्रणाली से काफी मिलती जुलती है। तीसरा है, यह एक संचार विकल्प है और उपरोक्त सभी। यहाँ पे यह बुलेटिन सेवा बोर्ड हमारा सभी है, क्योंकि यह बुलेटिन बोर्ड जो है वह मेल बॉक्स है। उसी मेल ईमेल की तरह यह सेवा काफी मिलती जुलती है और यह एक संचार प्रणाली है। तो हमारा सही विकल्प क्या रह गया कि यह विकल्प सभी है, अर्थात डी। आगे हमसे पूछा है एटलिस्ट इनमें से किनका पेशेवर संगठन है। तो इसकी फुल फॉर्म से ही हमें पता चल जाता है कि एटलिस्ट यानी कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। हमसे यह पूछा गया है एटलिस्ट पूछा गया है कि यह किसके लिए है। तो हमें यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल जाता है कि यह किन के लिए है। इंडियन एसोसिएशन इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। हमारा ये जो एटलिस है वह इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, इनकी फुल फॉर्म है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि यह शिक्षकों के लिए है। तो हमारे सामने विकल्प था कि लाइब्रेरी साइंस के शिक्षक या लाइब्रेरी साइंस के वैज्ञानिक, और तीसरा विकल्प था हमारे सामने कि लाइब्रेरी साइंस के स्टूडेंट, वैज्ञानिक या शिक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर रहेगा लाइब्रेरी साइंस के शिक्षक। आगे हम देखें कि अगला आया कि फाइल के तत्व, फाइल के तथ्य यानी कि फैक्ट ऑफ फाइल किसका साप्ताहिक संग्रह है। विश्व की घटनाओं का, भारतीय घटनाओं का, इंग्लैंड की घटनाओं का या अमरीकी घटनाओं का। फैक्ट ऑफ फाइल से तात्पर्य है कि इसमें जो भी हमारी फाइल है या तथ्य है, फाइल के तथ्य है, वह विश्व से संबंधित हो सकता है, ना कि पर्टिकुलर देश से, ना पर्टिकुलर राज्य से। तो हमारे यहाँ फाइल के तथ्य किसका साप्ताहिक संग्रह है, तो यह विश्व की घटनाओं का साप्ताहिक संग्रह होता है। विश्व में होने वाली घटित घटनाओं की जानकारी हमें इसमें मिलेगी, फैक्ट ऑफ फाइल में। अगला है हमारा कि सूचना और ज्ञान के बीच में अंतर करने का प्रयास किसने किया था, अर्थात कि इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। अगर हम बात करें कि इंफॉर्मेशन और नॉलेज को आगे बढ़ाने का कार्य डॉक्टर एमपी सिद्धा ने किया था, जिसमें उन्होंने कि ज्ञान, नॉलेज, फिर विजडम और ट्रेडिशनल तक दिया है। तो हमसे यहाँ पूछा गया है कि सूचना और ज्ञान के बीच में अंतर, यानी कि डिफरेंट, दोनों को अलग अलग करने का प्रयास किसने किया है। तो हमारा सही आंसर रहेगा ब्रुक्स। पहला ऑप्शन हम देखें, हमारा दे रखा है वीवर। तो वीवर और सैनन, वीवर सैनन से हमारा मैथमेटिकल कम्युनिकेशन जो मॉडल है वह उनके द्वारा दिया गया। और वीवर, आगे हम देखें, हमारा
अगला प्रश्न है जो काफी स्टूडेंट्स का उसमें कंफ्यूजन था, तो वह क्वेश्चन देखें कि इनमें से किस स्थिति में प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा होता है। हमारे सामने टोपोलॉजी दी है, तो वह टोपोलॉजी अगर हम देखें कि विकल्प में दिया है हमारा, हम पहले भी पेपर सॉल्यूशन में इन सभी पर बात कर चुके हैं। पहला विकल्प दिया है हमारा स्टार टोपोलॉजी, दूसरा विकल्प हमने दिया है बस टोपोलॉजी, और तीसरा विकल्प इन्होंने दिया है मैश टोपोलॉजी, और चौथा विकल्प हो गया आपके दे रखा है रिंग टोपोलॉजी। तो हमारा स्टार से तात्पर्य हमने पहले भी देखा था कि स्टार में क्या होता है, एक हब बना होता है, एक सेंटर है जिसके चारों ओर नोडल लगे हैं, ए बी सी डी, यानी कि ये चारों जो नोड है ये इस हब से जुड़े हुए हैं। एक बीच में जो हमारा केंद्र है उससे जुड़े हुए हैं, और अगर हमें बेस टोपोलॉजी की बात करें तो यह एक केबल से है, यानी कि इसे हम, यह एक केबल है जिसके दोनों ओर नोड से है, नोड जुड़े हुए हैं, इस केबल को हम ट्रांसमिशन लाइन भी बोल सकते हैं, कहते हैं। जो यह हमारी केबल है, इस केबल से ये सभी नोड दोनों ओर जुड़े हुए रहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन लाइन। अगर हम मैश की बात करें, यहां लिख लें ट्रांसमिशन लाइन, और अगर हम मैश की बात करें तो हमने देखा था कि मैश, यह एक कंप्यूटर है, एक दूसरा कंप्यूटर है, ये हमारे सामने कंप्यूटर है, तो यह एक दूसरे से जुड़े हुए रहता है। इस तरह से ये सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टिंग रहते हैं, और हम रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो हमारे सामने एक रिंग बनी रहती है जिसके ऊपर ही हमारे नोड लगे रहते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए जुड़ा होता है, प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा मैश टोपोलॉजी। आगे हम देखें कि केवल एक संदर्भ सेवा जिसमें पुस्तकालय के विषय विशेषज्ञ ही जवाब देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, वह सेवा जिसमें पुस्तकालय के विषय विशेषज्ञ ही उसका जवाब देते हैं, अर्थात कि पुस्तकालय अध्यक्ष ना दे करके उस विषय के विशेषज्ञ ही देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, वर्तमान जागरूक सेवा, तत्संदर्भ सेवा, या अनुवाद सेवा, या तकनीकी पूछताछ सेवा। अनुवाद सेवा से तो हमारा यहाँ पे सवाल ही नहीं है, क्योंकि हमें ट्रांसलेशन करवाना नहीं है, तो अनुवाद सेवा यहाँ है ही नहीं। संदर्भ सेवा में लाइब्रेरियन स्वयं ही यूजर का समाधान करने की कोशिश करता है, कि उसमें उनके अलावा यानी पुस्तकालय अध्यक्ष रेडी रेफरेंस सर्विस इन प्रस्तुत सेवा दे सकता है, या फिर दीर्घकालीन सेवा, अगर वह 5 से आधे घंटे के बीच में अगर उनका संतुष्टिपूर्ण जवाब दे देता है तो उसे हम क्या कहेंगे कि प्रस्तुत सेवा है,
और अगर हमने एक दो दिन लगने हैं या आधे घंटे से अधिक समय लगना है तो हम उसे दीर्घकालीन सेवा कहेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि जो हमारे सामने यूजर आया है, पाठक है, वह विषय विशेषज्ञ से ही उसका समाधान होगा, तो उसके लिए हम इसे कहेंगे तकनीकी पूछताछ सेवा। तो हमारा सही आंसर रहेगा तकनीक पूछताछ सेवा। अगला हमारा 15 नंबर जो प्रश्न है वह कहता है कि फॉरबिट चार बिट हमारा किसका संयोजन करता है, क्या कहलाता है, चार बिट के संयोजन को क्या कहता है। तो हम देखें, हमें पता है कि कंप्यूटर मापन में सबसे छोटी इकाई हमारी बिट है, जो जीरो और एक। हम कहें कि चार बिट मिलकर के एक निबल जो इकाई है, इकाई निबल का बनाती है, या कहते हैं अगर यही हम कहें कि दो निबल बनाकर या दो निबल में हम कितनी बिट हो जाएगी हमारी, 8 बिट। 8 बिट को हम क्या कहेंगे, बाइट, 1 बाइट। और 1024 बाइट मिलकर के हमारे सामने क्या बनती है, 1 MB। इस तरह से केबी, केबी के बाद एमबी, एमबी के बाद में जीबी। तो वह हमारी सभी ये इकाइयां हैं मेमोरी की। यहां पे हमसे पूछा था कि 4 बिट किसके लिए है, तो वह है हमारी निबल के लिए। आगे हैं, हम देखें कि हमारा दे रखा है बुक सिलेक्शन का फॉर्मूला। बुक सिलेक्शन के लिए हमसे यहां पूछा है कि बुक सिलेक्शन, वैज्ञानिकों के नाम दे रखे हैं। प्रश्न नंबर 16 पूछा है कि इनमें से किसने पुस्तकालयों के लिए पुस्तक चयन का सिद्धांत तैयार किया। यह प्रश्न हिंदी में जिन्होंने भी पढ़ा है तो उन्होंने जल्दबाजी में अमूमन सभी बच्चे गलत करके आए हैं, जबकि उन्होंने इंग्लिश में उन्होंने देखा नहीं। और इसका इंग्लिश में था आपका नहीं, यानी कि नॉट भी शब्द था जो वो पढ़ने में नहीं आया। उन्होंने सीधा पढ़ा कि इनमें से पुस्तकालयों के लिए पुस्तकें चुनने का सिद्धांत तैयार किया गया, जबकि प्रश्न पूछा था कि नहीं तैयार किया गया, क्योंकि तीन विकल्प जो हमारे सामने दिए हैं, F.W. ड्यूरे पहला ही ऑप्शन दिया, ड्यूरी पहला ऑप्शन दिया हमारा ड्यूरी, दूसरा उन्होंने ऑप्शन दिया डेवी, और तीसरा ऑप्शन दिया मैकालविन। और चौथा ऑप्शन दिया उन्होंने सेयर्स। तो हमें यहां पता है कि ड्यूरी महोदय का है, डेवी का भी है, और मैकालविन महोदय की भी थ्योरी बुक सिलेक्शन में आती है। और ड्यूरी महोदय का हमारा आया था जो वह 1930 में, देवी महोदय ने दिया है 1876 में, और इनका था आपका 1925 में। कि मांग पूर्ति का सिद्धांत दिया, इन्होंने कहा कि पाठक को उपयुक्त समय पर उपयुक्त पाठ्य सामग्री मिले। तो हमें इन तीनों महोदय ने, ड्यूरी महोदय, देवी महोदय और मैकालविन ने, और हम डॉक्टर रंगनाथन महोदय की बात करें तो उन्होंने भी बुक सिलेक्शन जो हमारे 1952 में आई है, उनमें भी उन्होंने इनका बुक सिलेक्शन के लिए उन्होंने दिया है कि बुक पुस्तकालय में पुस्तक चयन किस प्रकार से करें, उसका भी वहां पे है। और इन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया है। तो हम किन्होंने नहीं दिया, सही आंसर क्या रहेगा, डी, क्योंकि इन तीनों के ही द्वारा एक एक सिद्धांत दिया गया है। ड्यूरी महोदय ने 1930 में, डेवी 1876 में, और मैकालविन 1925।
आगे हमारा प्रश्न आता है सूचना कौशल मॉडल, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन मॉडल जो है वह किसके द्वारा तैयार किया गया या किसने विकसित किया, तो उसके लिए UGC, स्कोनल, इन्फ्लिपनेट या DRTC। तो यह हमें सभी को पता है कि यह किसने विकसित किया, स्कोनल ने। आगे है हमारा प्रश्न कि NIC NICC से तात्पर्य हमारा कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का मुख्यालय कहाँ है, तो NIC का मुख्यालय है आपका नई दिल्ली, और यह 1976 से संचालित है, नोट कर लीजिएगा। आगे हम देखें हमारा 19 नंबर प्रश्न कि ILA किसका सदस्य है। यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूजन थे क्योंकि ILA IFLA का तो सदस्य, यह सभी को पता था कि IFLA का तो सदस्य शुरू से ही है, किंतु IFLA के भी दो थे, एक FID दे रखा है IFLA और FID, दूसरा दे रखा है कि राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन। तो ILA क्या है, एक एसोसिएशन है, और हमसे पूछा है कि राष्ट्रमंडल, हमारा सही आंसर रहेगा IFLA और कॉमनवेल्थ लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो हमारा राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन और IFLA, इसका दोनों आंसर दोनों से संबंधित है। ILA किसका सदस्य है, कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो यानी यह प्रश्न इस तरह से भी घुमाया जा सकता है कि निम्न में से IFLA का सदस्य है, ठीक है, तो उसमें बाकी सभी जो जो IFLA के सदस्य देश हैं उनका आपके समक्ष उसमें तीन में विकल्प होगा और एक नहीं होगा। जैसे अमेरिका ने IFLA की सदस्यता को कैंसिल कर दिया है, तो इस तरह से उनका देख रहेगा। तो यहाँ पे हमारा सही प्रश्न है कि IFLA और राष्ट्रमंडल पुस्तकालय संगठन, ठीक है। आगे हम देखें, हमसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक काम नहीं है, यह आप सभी का प्रश्न सही होगा, आप में से यहाँ जितने भी बैठे हैं और YouTube पे हमारे जितने भी देख रहे हैं जिन्होंने NVS का पेपर दिया है, उनका यह सभी का लगभग सही होगा कि एक राष्ट्रीय पुस्तकालय का काम कौन सा नहीं है। यह हमारे कॉमन सेंस का प्रश्न था कि जिसमें दे रखा है, पहला विकल्प देखें कि देश में जारी सभी प्रकाशनों के लिए स्थायी संग्रह स्थान के रूप में काम करना। तो हमें यह पता है कि पुस्तकालय में उपस्थित पुस्तकें जितनी भी हमारे देश में प्रकाशित हो रही है, तो उनकी एक प्रति हम नेशनल लाइब्रेरी के लिए भेजते हैं, डिपोजिटरी लाइब्रेरी में भी भेजना यानी कि किया गया है। तो देश में जारी सभी प्रकाशनों के लिए स्थायी संग्रह स्थान के रूप में काम करना, यह भी है, और सहकारी गतिविधियों के लिए समन्वय केंद्र के रूप में काम करना, हमारा यह भी है, और ग्रंथ सूची संबंधी सेवाएं देना, तो यह बिब्लियोग्राफी से संबंधित सेवाएं भी देना, तो यह हमारे राष्ट्रीय पुस्तकालय का काम। और भी आ सकता है कि भावी पीढ़ी के लिए प्रकाशनों को संग्रहित यानी कि संरक्षित करके रखना भी हमारे राष्ट्रीय पुस्तकालय का है कार्य है। तो हमारा कौन सा कार्य नहीं है, कि युवा पुरुषों और महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों की व्यापक और गहन की समझ देना, तो यहाँ हमारा इससे ये तात्पर्य नहीं है, यह हमारा राष्ट्रीय पुस्तकालय का काम नहीं है। आगे हमने पूछा है कि विश्वकोश अमेरिकाना में कितने अंक है, वॉल्यूम है, यानी कि इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। तो हमारे सामने विकल्प था 30, 28, 20 या 25, तो हमारा सही आंसर रहेगा 25, नहीं 30। इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना 30 वॉल्यूम में है, और इसका प्रकाशन कहां से हो रहा है, न्यूयॉर्क से। विश्वकोश अमेरिकाना जो है इसके वॉल्यूम हमारे 30 है, और यह इसका प्रकाशन न्यूयॉर्क से हो रहा है। इसी तरह से हमसे पूछा जाता है कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के कितने वॉल्यूम है, आप में से कोई इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका विकल्प ऑप्शन दे,
तीस, बत्तीस, अट्ठाईस या पच्चीस? तीस, बत्तीस, अट्ठाईस या पच्चीस? हमसे पूछा जाए कि इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, विश्वकोश ब्रिटेनिका, यहां पे हमसे पूछा गया है विश्वकोश अमेरिकाना। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका है वह हमारा 32 वॉल्यूम में है। कितने वॉल्यूम में है? 32 वॉल्यूम में है। आगे हम देखें कि हमारा 22 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को अपने आवश्यक काम करने में मदद करता है? इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को अपने आवश्यक काम में मदद करता है? तो हम देखें विकल्प में ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ताओं के काम में मदद नहीं करता, बल्कि कंप्यूटर में उपस्थित प्रोग्राम है, उनके मैनेजमेंट का काम कर रहा है। दूसरा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो यह सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर के सिस्टम को सुधारने में, वहाँ पे हमारा कार्य है। एडिटर, एडिटर भी हमारा यहाँ पे नहीं है, तो हमारा क्या होगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम स्वयं ही तैयार करते हैं और यह हमारे लिए ही आवश्यक काम करने में मदद करता है। यानी कि एप्लीकेशन को हम जिस तरह से उसको तैयार करते हैं उसी अकॉर्डिंग वह हमसे काम में, हम उसकी मदद लेते हैं, यानी कि वह हमारी मदद करता है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर रह गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे हम देखें कि अपूर्ण विराम वर्गीकरण, अपूर्ण विराम वर्गीकरण से हमारा तात्पर्य द्विबिंदु वर्गीकरण पर, अर्थात कि अपूर्ण विराम का चिन्ह हमारा यह होता है और यह हमारा किससे संबंधित है? कॉलन क्लासिफिकेशन से। तो हम यूं कहें कि कॉलन क्लासिफिकेशन में काल पक्ष, अर्थात टाइम के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है, इस्तेमाल कौन सा कनेक्टिंग सिंबल प्रयोग में लिया जाता है? तो हमें यहाँ पे हमारा डॉट तो है ही नहीं भाई, एक से तीन तक हम दो, दूसरे में हम से लेकर के हम चौथे तक पहले डेट डॉस का प्रयोग करते थे, चौथे संस्करण में स्पेस और टाइम के लिए, स्पेस और टाइम के लिए एक ही कनेक्टिंग सिंबल हम यूज लेते थे, जबकि हमारे छठे संस्करण में PMEST में टाइम के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। तो हमारा सही विकल्प क्या रहेगा? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। आगे है हमारा प्रश्न पक्ष अनुक्रम, पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत दे रखे हैं जिनमें से कौन सा नहीं है। हमसे प्रश्न पूछा है कि इनमें से क्या पक्ष अनुक्रम का एक सिद्धांत नहीं है? नहीं से तात्पर्य कौन सा नहीं है? तो हमारे तीन सिद्धांत है, गाय बछड़ा सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत हमारा पूर्ण अंग सिद्धांत। इनके बारे में हम विस्तृत टॉपिक पर चर्चा करेंगे और क्लास में आपको करवा दिया गया है, सभी को पता है, आप में से यहाँ पे दीवार तस्वीर सिद्धांत। ये तीनों सिद्धांत हमारे पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत है और फिर बाद में सिद्धांत, ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है। तो यह हमारे सामने इन तीनों के नाम आप ध्यान रखिए कि यह कैसे सिद्धांत है, तो हम कह सकते हैं कि ये पक्ष अनुक्रम के सिद्धांत हैं। आगे हमसे पूछा है कि अपूर्ण विराम वही हमारे यानी कि सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन का पहला संस्करण किस साल प्रकाशित हुआ था? सीसी का पहला संस्करण, यह लाइब्रेरी साइंस में इस एग्जाम में बैठने वाले
सभी स्टूडेंट्स का हमारा सही था 1933। आगे हम देखें कि अभी हमने पहले बता दिया कि अपूर्ण विराम चिन्ह कौन सा है, कॉलन, ठीक है। आगे हम देखें, हमारा प्रश्न है कि उपयोगकर्ता के सूचना खोज व्यवहार को जानने की पद्धति को क्या कहते हैं। तो आपने अभी पीछे ही उपयोगकर्ता के सभी कार्य भी देखे थे, तो उससे भी हमारे यहाँ पे तैयार हो रहा है प्रश्न को, आप समझते ही इसका सही आंसर दे सकते थे, उपयोगकर्ता के अध्ययन से, यूजर स्टडी। अगला है हमारा 27 नंबर प्रश्न। आपसे पहले भी बता चुके हैं कि एक फुल फॉर्म से संबंधित आपके समक्ष प्रश्न पूछा जाता है हमेशा से, तो यहाँ पे भी हमारा आया कि PERT का पूरा नाम बताओ। PERT का पूरा नाम बताओ। तो हमारा यहाँ पे चार विकल्प दिए हैं, जिसमें PERT का होता है प्रोग्राम इवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। सी विकल्प आपका सही रहेगा, प्रोग्राम इवेल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को ने भारत में किसकी मदद से निशांत कार्यक्रम को शुरू किया। वैज्ञानिक दे रखे हैं, किनके द्वारा शुरू किया गया। तो जी भट्टाचार्य पहला विकल्प, तो जी भट्टाचार्य का संबंध आपने अभी देखा था पोप्सी से रहा है। अगला विकल्प दिया ए नील मगन, और अगला है आपका सी तीसरे नंबर विकल्प में EW होल में, और चौथा विकल्प दिया है आपका पीटर लेजर। तो हमारा यहाँ पे यूनेस्को ने भारत में EW होल में, EW होल में, EW होल में के सहयोग से निशांत को विकसित किया, निशांत कार्यक्रम को शुरू किया EW होल में। आगे हम देखें कि टैक्स के उन स्ट्रिंग का को क्या कहा जाता है जो किसी अन्य प्रश्न पर एक लिंक के रूप में होता है। हमारे सामने यह प्रश्न एक पहले भी आया था, जिसमें मीडिया हाइपर मीडिया को सही माना था। यहाँ पे हमसे पूछा है कि किसी अन्य प्रश्न के लिए एक लिंक होता है, जैसे कि हम एक वेबसाइट के लिंक पर गए तो वहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हाथ के तरह बड़ा सा हमें दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहेंगे, हाइपरलिंक। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर रहेगा कि किसी अन्य प्रश्न के लिए एक लिंक है जो वह क्या कहलाएगा, हाइपरलिंक। अगला हमारा 30 नंबर प्रश्न है कि इनमें से क्या भाषा शब्दकोशों में शब्द उपचार का एक भाग नहीं है, अर्थात कि जो सब्जेक्ट में डिक्शनरी है उसके में कौन सा भाग नहीं है। तो हम देखें कि भाषांश, व्याकरणीय सूचना, शब्द उत्पत्ति या प्राकृत भाषा। तो आपके जो व्याकरणीय सूचना, शब्द उत्पत्ति और प्राकृत भाषा, ये तीनों ही आपकी भाषा की डिक्शनरी जो है, भाषा शब्दकोश है, उसमें है, होते हैं, भाग होते हैं, और ये जो भाषांश है ऐसा कोई हमारा भाग नहीं होता। अगला हमारा 31 नंबर जो प्रश्न दिया है वह दिया है जन्म पूर्व सूचीकरण, जन्म पूर्व सूचीकरण, जिसे आप प्री नेटल कैटलॉगिंग के नाम से जानते हैं। तो यह किसका योगदान है, जन्म पूर्व सूची में किसका योगदान है। तो हम जानते हैं कि जन्म पूर्व सूचीकरण या प्री नेटल कैटलॉगिंग डॉक्टर SR रंगनाथन महोदय की है। और हमारे सामने विकल्प में देखें कि जेम्स डी ब्राउन, JD ब्राउन, पहले विकल्प जो दिया है हमारा JD ब्राउन। तो हम इनका देखें तो इनके आती है एक सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, विषय वर्गीकरण पद्धति,
विषय वर्गीकरण पद्धति कब आई थी? 1906 में। हमारा पहला विकल्प है जेडी ब्राउन। जेडी ब्राउन जी का कौन सी वर्गीकरण पद्धति है? विषय वर्गीकरण पद्धति, जिसे हम क्या कहेंगे, सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन, जो कब आई? 1906 में। अगला विकल्प हमारा दिया है मेलविल डेवी। मेलविल डेवी या ड्यूई, इनसे हम परिचित हैं क्योंकि राजस्थान लाइब्रेरियन में डीडीसी से 9 से 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और यह आपकी 1876 में पूछे गए थे 2016 में। आगे है हमारा तीसरा विकल्प है सीए कटर। तो सीए कटर महोदय की आती है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन। एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन जो हमारी अठारह में आई थी, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन सीए कटर महोदय की। तो हमें चारों का ध्यान रखना है। और अगर डॉक्टर रंगनाथन महोदय की वर्गीकरण पद्धति की बात करें तो सीसी 1933 में। तो हमारी ये चार वर्गीकरण की पद्धतियां हो गई, सीए कटर, एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन, मेलविल डेवी, डेविड एसीमेल क्लासिफिकेशन, जेडी ब्राउन सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन और डॉक्टर एस आर रंगनाथन कॉलन क्लासिफिकेशन। तो इन ये पद्धतियां पूछा जा सकता है कि डॉक्टर रंगनाथन महोदय की वर्गीकरण की कौन सी पद्धति है, या निम्न में से कब सीसी, कब पहला संस्करण कब आया, जेडी ब्राउन की विषय वर्गीकरण कब आया, कब आई, डीडीसी का पहला संस्करण कब प्रकाशित हुआ, या सीए कटर की कौन सी पद्धति है। तो इस तरह से हमारे यह ध्यान रखना होगा हमें। आगे है हमारा कि यूडी इनमें से क्या एक बहुभाषीय कृषि पर्याय शब्दकोश है। आपके सामने ने चार विकल्प दे रखे हैं, एग्रीज, एग्रोस, इस तरह से। तो हमारा कृषि से पर्याय जो सही रहेगा वह है हमारा एग्रोवॉक। एग्रोवॉक यह शब्द कृषि का पर्याय है, कृषि पर्याय का शब्दकोश के रूप में इसका सही आंसर रहेगा एग्रोवॉक। आगे हमसे पूछा गया है कि यूडीसी में दो, जिस तरह से कॉलन पद्धति में एक अपूर्ण विराम है, तो यहां पे हमसे पूछा गया है यह कनेक्टिंग सिंबल किससे संबंधित है। यूडीसी में किसमें बात करी है? यूडीसी में, यूडीसी में इसका इस्तेमाल कहां करने के लिए इंगित किया जाता है? तो हमें यह पता है कि इसका प्रयोग क्रम निर्धारण में किया जाता है। किसके लिए किया जाता है कनेक्टिंग सिंबल का? इनका प्रयोग आपका क्रम निर्धारण में। आगे हमें देखें कि मिलियन बुक परियोजना या फिर हम कार्नेगी मेडल परियोजना, हमसे पूछा जाता है कि मिलियन पुस्तक परियोजना किसकी पहल थी? तो यह किससे संबंधित थी? कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय से, कार्नेगी मेलॉन विश्वविद्यालय से संबंधित थी मिलियन बुक परियोजना। आगे है हमारा ग्रंथपरक वर्गीकरण, अर्थात कि बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन किसने विकसित किया। अभी हमने चार पद्धति पढ़ी, देखी थी वर्गीकरण की, अब एक हमारे सामने और आ गई है, उसको भी आप देखें, बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन। तो यह जो पद्धति है वह ब्लिस महोदय की है, ब्लिस महोदय की है,
और यह हम कब आई थी, 1985 में। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन ब्लिस महोदय द्वारा कब की गई, 1985 में, 1985 नहीं, आपकी यह आई थी 1935 में। बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन आपकी है 1935 से। वेरी गुड। आगे हम देखें कि हमसे प्रश्न पूछा गया है 36 प्रश्न में थ्री कार्ड सिस्टम पुस्तकालय में किस काम के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यह प्रश्न आप सभी को आता होगा। आपने देखा होगा टू कार्ड सिस्टम की दो प्रणाली आपने देखी है, थ्री कार्ड सिस्टम का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, स्पेशली पुस्तकालय में। आप पुस्तकालय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं, आपको पुस्तकालय में कौन सी पद्धति प्रयोग करनी है, किसके लिए, एक कार्ड, द्वि कार्ड, थ्री कार्ड सिस्टम। तो उस हमसे पूछा गया है कि थ्री कार्ड सिस्टम किसके लिए, कि कहां, किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। हम यहाँ पे देखें, विकल्प पे बात करें कि पुस्तक परिसंचरण में, आदान प्रदान में, या क्रम चयन में, पुस्तक चयन में, क्रमों के अधिग्रहण या नियंत्रण में। स्पेशली हम इन कार्ड सिस्टम का पुस्तकों के आदान प्रदान में किया जाता है, किंतु हमसे यहाँ पूछा गया है कि थ्री कार्ड सिस्टम, जो यह थ्री कार्ड सिस्टम है, यह स्पेशली हम पीरियोडिक अर्थात पत्रिकाओं के नियंत्रण के लिए उपयोग में लेते हैं, या पत्रिकाओं के नियंत्रण के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो यह क्रमों के अधिग्रहण और नियंत्रण में इसका सही आंसर रहेगा, क्रमों के अधिग्रहण और नियंत्रण। आगे हम बढ़े तो हमारे सामने एक मॉडल आ रहा है FRBR। FRBR संरचना द्वारा समर्थित उपयोगकर्ता कार्यों का सही क्रम क्या होगा, FRBR में उपयोगकर्ताओं का सही क्रम क्या होगा। तो हमें किसी भी चीज के लिए हमें उसे खोजना होता है, तो पहले हम क्या करते हैं, फाइंड, फिर हम क्या करेंगे उसका आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई, फिर क्या करेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। अर्थात अगर हिंदी में हम बात करें तो किसी चीज को हम खोजेंगे, खोजने के पश्चात तो उसे पहचानेंगे कि क्या है, फिर उसमें से सेलेक्ट करेंगे, चुनेंगे, और फिर उनका उनको हम प्राप्त करेंगे। आगे हमारा प्रश्न है 38 नंबर कि विशेष पुस्तकालयों के लिए एक संकलन नहीं है, स्पेशल लाइब्रेरीज में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। पहला विकल्प है संगठन के भीतर उत्पन्न हुई सूचना सेवा, सूचना जैसे शोध रिपोर्ट, कार्य दस्तावेज, पत्रिका, बिक्री साहित्य आदि, ये सभी विशेष पुस्तकालय में रहेंगे। पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिपोर्ट आदि में उपलब्ध प्रकाशित सूचना, यह भी रहेगी। बाहरी सूचना अर्थात संगठन के बाहर उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित सूचना, यह भी रहेगी। किंतु हमारे सामने यहाँ पे यात्रा सूची या फिर हास्य पुस्तकें, कला पुस्तकें, जीवनी, काल्पनिक आदि हल्की पाठ्य सामग्री जो है वह हमारे विशिष्ट पुस्तकालय में नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ विषय विशेषज्ञ या प्रोफेसर ही हमारे विशिष्ट लाइब्रेरी पर्टिकुलर उस वहाँ पे यूज होता है। आगे हम देखें कि 39 में आगामी प्रश्न में कि इनमें से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, तो यह आप सभी का प्रश्न सही है, कौन सा होगा, प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से क्या एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, कौन सा है, क्योंकि सीधा सा आपके सामने फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल, गूगल सर्चिंग है, डिवाइस है। तो हमारा मैकेफे जो है वह आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, सही आंसर क्या रहेगा, मैकेफे। अगला है हमारा कि पर्याय शब्दकोश पक्ष का विचार सर्वप्रथम किसने विकसित किया था,
पर्याय शब्दकोश पक्ष का विचार किसने प्रयोग किया था? जीन एचिसन ने। सही विकल्प।